ये देखें, इस मंकी ने ब्लैंकेट पहना हुआ है। वाओ सो क्यूट। ओ बेचारे की आंखें भी नहीं खुलती। ये देखें स्नो ब्लैंकेट पहना हुआ है इसने। वाइल्ड वेदर एंड वाइल्ड लाइफ इज फाइटिंग अगेंस्ट वाइल्ड वेदर। ओह सो क्यूट। एक ऊपर भी जा रहा है ये देखें, और बर्फ देखें कितना तेज हो रही है। नाजी रहमान यू आर वॉचिंग फ्रॉम बार्सिलोना स्पेन। गुड। -4 सेंटीग्रेड हियर। और उसमें ये देखें वाइल्ड लाइफ ऑफ मरी एंड गलियात एंजॉयिंग स्नोफॉल। मारिया डी सिल्वा लिंडा। यस लिंडो। और ये देखें एक छोटा सा बेबी, इसका बच्चा बैठा हुआ है, इस मंकी का ये बैठा हुआ है ऊपर। माजिद नासिर साहब वॉचिंग फ्रॉम मकबूजा कश्मीर। मैं इस वक्त छांगला गली में मौजूद हूँ, और इस वक्त इंतहाई तेज स्नोफॉल हो रही है। बर्फ घुसाई है। डोर खोल के इसको गिराऊं। फिर मेरे ऊपर आके गिरती है। ऊपर सारी बर्फ जमी हुई है। मेरे हाथ ठंडे हो गए हैं, फ्रीज हो गए हैं। और ये देखें टूरिस्ट, उन्होंने कंबल पहने हुए हैं। माशाल्लाह, इन्होंने ब्लैंकेट पहने हुए हैं। ये है विंटर खूबसूरती। अभी हम इनसे बात करते हैं, कोशिश करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम जी। आप सब मरी वेदर पे लाइव हैं इस टाइम, और आपको तकरीबन 61,000 दोस्त देख रहे हैं। माशाल्लाह। कहाँ से आए हैं आप? गुजरांवाला से आए हैं। गुजरांवाला से? गुजरात। ये लाला मूसा से हैं, गुजरात से। लोग लिया पाइते हैं। और ये आपका नाम? हमजा अफसर। हमजा अफसर। और आपका नाम? उसामा इम्तियाज। और आप? मोहम्मद सफी। और आतिफ अयाज। कैसा महसूस कर रहे हैं? Awesome. Awesome. सबको दावत दे रहे हैं जो बैठे हुए हैं घर में छुप के। सीरियसली वो मिस कर रहे हैं। मिस कर रहे हैं। हम पेपर छोड़ के आए। सही बात है, पेपर छोड़ गए। ये गलत बात है। हमारा इतना इम्पोर्टेंट पेपर था, 15 नंबर है हमारे, उसके लिए हमने कहा छोड़ो। 15 नंबर आप छोड़ के आए हैं? वो पेपर होते रहते हैं, लेकिन ये जो इंजॉयबल मोमेंट है ये कभी कभी आते हैं। अच्छा, जिंदगी को एंजॉय करना चाहिए, बाकी लाइफ चलती रहती है। ठंड तो नहीं लग रही है आपको? पहले लग रही थी। अच्छा, सुन हो चुकी है। आपको कैसा लग रहा है? मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ, दिखा भी रहा हूँ लाइव। बिल्कुल। आप अच्छा, ये रोड की हालत बहुत खराब है, आप गाड़ी पे आए हुए? नीचे खड़ी करके। मशीन तो कोई नहीं आई 2 घंटों में कोई भी सफाई के लिए। नया पाकिस्तान के गवर्नमेंट कहाँ पे है? और ये वैसे गवर्नमेंट ये गैप क्यों है? ये गैप भी क्यों है? ये जो गैप्स हैं इन पे भी कोई ना कोई। तुम्हारा इमरान खान किधर है? अच्छा, ये केपीके की हुकूमत है, इमरान खान दावत बहुत करता है, लेकिन ये कोई काम नहीं हो रहा। काम नहीं हो रहा, यही चीज हम पीट रहे हैं। और आपको पता है, मैं और आपको पता है कि मैं भी पीटीआई से हूँ, लेकिन मैंने अभी एक तनकीद की है तो लोगों ने तूफाने बदतमीजी शुरू कर दी है, जो एक तुरा इम्तियाज है इन सब का। जब इनको हम सच बताएं तो ये हमें शुरू हो जाते हैं। जो सच है वो सच है, जो झूठ है झूठ है। यहाँ पे अभी तक 2 घंटे से कोई स्नो क्लियर
के लिए स्नो क्लियरिंग डिपार्टमेंट की तरफ से कोई गाड़ी नहीं भेजी, क्योंकि मैं अभी देख के आ रहा हूँ बहुत गाड़ियां फंसी हुई है, बहुत लोग नीचे वो फंसी हुई है गाड़ियां, मुझे पता है, कुछ को मैं टू चैन भी मैंने किया है, निकाल के भी आया हूँ, तो आपकी गाड़ी नीचे खड़ी हुई है। चले जी आगे लिए आती है वो खुदा के बंदे, बर्फ उस वक्त जब पड़ रही होती है तो स्नो के लिए वो उसको रिमूव करने के लिए गाड़ियां आती हैं, और गाड़ियों को मुख्तलिफ जगह पे खड़ी करनी चाहिए, मुख्तलिफ पॉइंट बनाने चाहिए कि जहां पे वो गाड़ियां मौजूद हों ताकि वो रोड को क्लियर कर सकें। ये देखें ये टू चैन करके आ रही है ये जीप, ये टू चैन, बल्कि इनका एक्सीडेंट हुआ, इनकी विंड स्क्रीन भी टूट गई है इस गाड़ी की, उसको टू चैन करके ले जा रहे हैं। अजीब सवाल किया आपने कि बर्फबारी में गाड़ियां ऊपर कैसे आएंगी, और भाई गाड़ियों को मुख्तलिफ जगह पे उनकी ड्यूटी लगानी चाहिए, स्नोफॉल में ही गाड़ियां आती हैं, जब स्नोफॉल हो रही हो तो रोड खोलने के लिए आएंगी। ये देखें ये गाड़ी फंसी हुई है, और यहाँ पे नमक डालना चाहिए, हाईवे अथॉरिटी को चाहिए कि सबसे पहले यहाँ पे वो नमक डालते रोड के ऊपर, ताकि ये जो बर्फ पड़ रही है ये पिघल जाती, मेल्ट हो जाती तब। ये देखें क्या खूबसूरत मंजर है इस वक्त, नूर अहमद वजीर साहब अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र दे, जिंदगी आपके साथ इंशाल्लाह ताला वफा करेगी, एक बार तो जरूर आपको मरी की बर्फ दिखाएगी, ये मेरा दिल कर रहा है। ये देखें खूबसूरत मौसम, और देखें कितना तेज बर्फ हो रही है, फाद खान मरवा साहब मैं बिल्कुल ख्याल के साथ चल रहा हूँ, मेरी गाड़ी के अल्हम्दुलिल्लाह स्नो टायर हैं बर्फ़ से मुकाबला करने वाले, और V8 है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन छोटी गाड़ियों को देख देख के परेशानी हो रही है, लोग फंसे हुए हैं। जीपें और बड़ी गाड़ियाँ तो आराम से जा रही हैं, इब्रार हनीफ साहब बहुत याद आई आज आपको अपने वतन की। चलो जी ये देखें ये हाईएस्ट जा रहा है, और ये स्लिप भी हो रहा है, और इन्होंने चेन्स लगाई हुई हैं, ये देखें रस्सी और चेन्स इन्होंने लगाई हुई है। तौफीक मुलानी साहब ये नथिया गली से अब मैं नीचे आ रहा हूँ सवार गली की तरफ़।